है पैंग पर 30 किलोमीटर्स एंड लद्दाख है 200 किलोमीटर्स। अल्टीमेट है यार, गाड़ी भाग रही है, मैं उसके बाद पीछे पीछे भाग रहा हूँ। हवाओं के फिजा लद्दाख में हूँ यो। Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel Compass Official. I hope you are doing super super fine guys. Yes yaar, bahut din se maine vlog nahi dala, so sorry for that, but I promise ab continue vlogs aayenge. And one more thing ki hum ja kahan rahe hain. Yes, is bar hum jahan hum ja rahe hain wo dream destination hai har bande ke liye, chahe wo young ho old ho, doesn't matter, but wo har koi jana chahta hai. Main bhi pehle gaya tha एट द टाइम ऑफ कॉलेज, बट हम लोग मस्ती करने गए थे, अपने लिए गया था, बट अभी जो हम जा रहे हैं वो हमारे लिए जा रहे हैं, दैट इज ले लद्दाख। यस गाइस, सो गाइस हम लोग को एटलीस्ट दिल्ली में हम लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा फंस गए थे, बहुत ज़्यादा जैम था, एक घंटा हम लोग ख़राब हो गया है। और इस ट्रिप में मेरे साथ है मेरा फ्रेंड अभिषेक, थोड़ा कैमरा शाय है। सो गाइज, अभी हम जस्ट अभी हमने पानीपत क्रॉस किया है और टाइम हो रहा है 9:30 और अभी तक तो यार देखो रश तो हमें जस्ट दिल्ली में ही मिला और यहाँ पे कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब मूर्छत के बाद बहुत ज़्यादा, मूर्छत से पहले बहुत रश मिला कि वहाँ पे आई थिंक फ्लाईओवर वगैरह बन रहा है, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। और एक्चुअली हम लोग को कल निकलना था रात को, कल रात को रात को निकला नहीं, खाली काम में व्यस्त। नहीं यार, एक्चुअली मैंने ना स्टिकरिंग वगैरह भी कराया था, ठीक है, वो गाड़ी में स्टिकिंग लोगो वो कराना। और दूसरी चीज़ क्या है ना, सबसे बड़ी गलती मेरी क्या है ना, एंड मूवमेंट में सारी चीज़ें करता हूँ, तो यार ये जो हैबिट है मेरी बहुत बेकार है, तो इसी चक्कर में हमेशा मैं फंस जाता हूँ। पूरी रात बंदे ने भाई वेट किया मेरा कि आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन लास्ट में मेरा नींद आराम करके ही रहा, 5 बजे मुझे उठा दिया ये। तो मैं इसके घर 5 बजे गया था, एक्चुअली क्या हुआ कि रात में इतना थक गया था ना, तो चल छोटा सा मैं नैप लिया, मतलब 1-1.5 घंटा में सो गया था, फिर 4 बजे उठा, फिर मैंने फ़ोन किया ठीक है मैं आ रहा हूँ 10 मिनट, फिर मैं 10 मिनट नहीं बोला, फिर लास्ट टाइम मैंने उसको रात में 10 मिनट बोला तो उसने 3 बजे तक आ जाऊँ, बट मैं पहुँच नहीं पाया। और एज़ यूजल हम लेट हो गए और यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जाम मिला, हद से ज़्यादा जाम था। और लिट्टी यार, और जो सीरीज़ है लद्दाख सीरीज़ बहुत एडवेंचर होने वाला है, बहुत फाड़ू मज़ा आएगा आप लोग को, सो इन्जॉय करो यार। अगर अभी तक मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माई चैनल कंपास ऑफिशियल। और आई नो यार काफ़ी डिले हो गया वीडियो में, मैं बहुत टाइम तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया ड्यू टू सम रीज़न, बट सॉरी फॉर दैट एंड इट्स माई प्रॉमिस कि मैं कंटिन्यू करूँगा व्लॉग, सारे वीकली वीडियोज़ आएंगी, एडवेंचर वाली फाड़ू वाली वीडियोज़ आएंगी। सो लद्दाख को इन्जॉय करो, बहुत एडवेंचर होने वाला है, कैंपिंग करेंगे फाड़ू वाला, और सारा ये बनाएगा, ये बहुत अच्छा नॉनवेज बनाता है, सीरियसली मैन बहुत अच्छा बनाता है नॉनवेज। तो ये मेरा इस ट्रिप पे मेरे पार्टनर कम शेफ दोनों है। सही है, मजा आएगा, दोनों मिलके बनाएंगे पूरा फुल एंजॉय। नहीं, चिकन तो ये बनाएगा। सो गाइस, जो वेज खाता है वेज भी अच्छा बनाता है, चिकन तो मैं ही बनाऊंगा। नहीं तो वेज में तो यार वेज भी तो अच्छा बनाता है तू। हाँ तो मैं कहाँ बोल रहा, वेज नहीं बनाता, लेकिन वेज से ज्यादा चिकन मजा आता है, नॉनवेज बनाने में। सो गाइज, जस्ट अभी हम अंबाला पहुँचे हैं और अभी तक जो हमने डिस्टेंस कवर किया है वो 269 किलोमीटर अभी तक हमने सुबह से कवर किया है। हम लोग हैं चंडीगढ़ बाईपास रोड और यहाँ से जो डिस्टेंस पड़ता है मनाली का वो है 290 किलोमीटर्स के आसपास अभी है। सो गाइज, फाइनली यार हमने अपना लंच कर लिया अभी जस्ट, वो आप देख सकते पीछे रेस्टोरेंट है, बहुत सारे यहाँ पे लाइन से रेस्टोरेंट है और यू कैन से डरावा ऑल्सो।
और हमने खाया था दाल मखनी, मिक्स वेज कर्ड एंड सैलड और तंदूरी रोटी। और एक्चुअली यार हमने वहाँ पे शूट नहीं किया बिकॉज पेट पूजा, इतनी तेज़ भूख लगती थी, हमें टूट पड़े खाने के लिए। पहले पेट पूजा उसके बाद काम, उसके बाद काम, सीरियसली मैन। और ऑलमोस्ट हम लोग को यहाँ पे हाफ एन आवर हो गया है, और यहाँ से जो मनाली का रास्ता है अभी जो किलोमीटर्स है वो है 250-250 किलोमीटर। गाइस फाइनली हम लोग हिमाचल प्रदेश में एंट्री हमारी हो गई है, और यहाँ से 35 किलोमीटर ऐसे ही रास्ता है अप एंड डाउन, और अभी यहाँ से 200 किलोमीटर मनाली। सो गाइज यहाँ पे रुके हैं फ्यूल अप कराने के लिए मनाली में, और अभी तो ऑलमोस्ट हाफ टैंक ही है, जस्ट हमने दिल्ली में ही रिफिल कराया था, तो जस्ट अभी हम सेकंड टाइम रुके हैं। यहाँ पे देखते हैं कितना आता है फ्यूल। सो गाइज यार हमने दिल्ली में अपना टैंक फुल कराया था प्यारी का जो हमारी कार है, और सेकंड टाइम अभी हमने मनाली में फ्यूल अप कराया। पर दोनों में डिफरेंस क्या है ना कि वहाँ पे जो डीजल था वो 96 रुपीज़ था, 96 समथिंग कुछ पैसा, यहाँ पे 90 रुपीज़। तो यार भाई 6 रुपये का डिफरेंस है पर लीटर, और अभी जो हमारी गाड़ी में आया है डीजल 26 लीटर के आसपास। सो गाइज फाइनली वी जस्ट रीच अटर टर्नल आफ्टर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत मशक्कत करने के बाद अल्टीमेट, मतलब पेट्रियोटिक मूवमेंट, एक पेट्रियोटिक मूवमेंट होता है ना, शुड बी प्राउड यार, जैसे हम लोग यहाँ पे, और यहाँ से लद्दाख का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स। और एज यू कैन सी ऑन अ बैक साइड ये है अटर टर्नल, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और जो मूवमेंट है वो हम अंदर जाके इन्जॉय करेंगे। अल्टीमेट फीलिंग है यार, हम लोग फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में जस्ट मुझे देखना था यार, और मेरे ड्रीम्स कम ट्रू कि मैं आज इतना, मतलब एक प्राउड मोमेंट, एक मतलब कि मतलब यू कांट एक्सप्रेस द वर्ड, मतलब फीलिंग, मतलब अल्टीमेट वाला यार, आप अटल टनल में हो यहाँ पे, जो मतलब सुपर वाला फीलिंग, मतलब यू कांट मतलब इमेजिन। मेरे लाइफ का सबसे बिगेस्ट वो था कि यार आके मैं देखो यहाँ पे लुक एट द वर्ल्ड यार, पेट्रियोटिक मतलब देखो ना कि नेशन, तो भाई साहब मजा आ गया बिल्कुल, जो फीलिंग है ना भाई अटल टनल का, गजब वाला भाई, प्राउड मोमेंट है यार हम लोग के लिए, इतना अच्छा बनाया, इतना मतलब क्या हाईटेक इंजीनियरिंग करी है यार। और इसके बाद सीधा हम लोग लद्दाख, यहाँ से ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स, मतलब मैं यार समझ नहीं पा रहा मैं बोलूँ क्या, सच बताऊँ तो आफ्टर सी मतलब यार यहाँ पे एंटर करने के बाद अटल टनल के बाद, मतलब वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए यार, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या बोलना है। नहीं अभिषेक, यस भाई, गजब है यार, मतलब बहुत, सबको यार वंस इन लाइफ यार आपको इस जगह आना चाहिए।
सो गाइस जस्ट अभी हमने अटल टनल क्रॉस किया है एंड उसके बाद एक थोड़ा पेपर वर्क होता है. पेपर वर्क क्या बोले तो एक स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी चार्जेस कटते हैं. अगर आप फोर व्हीलर से आ रहे हो तो आपको 200 रुपीज़ देना पड़ेगा. जस्ट मैं बिहाइंड में ही है आप पीछे. और आप टू व्हीलर है तो आपको 50 रुपीज़ देना पड़ेगा. अगर नहीं देते हो दैट आप आगे जाके आपको फिर उसका चलान यू हैव टू पे. बल्ले बल्ले चमक चमक बल्ले बल्ले चमक.